शिक्षा आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समुदाय के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है? अनुच्छेद 30 में तुरंत संशोधन किया जाना चाहिए और भारतीय समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। हेलो, दिस इज अभिषेक चौहान एंड लेट्स वेलकम ऑन अवर न्यूज पोर्टल लेट्स फोकस। अनुच्छेद 30 में वर्णित सभी अधिकार जो कि शिक्षा पर निर्धारित हैं, उसमें ये कहा गया है कि सभी लोगों को अपनी पसंद से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। हमें बार बार कहा जाता है कि सभी भारतीय कानून के समक्ष समान हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि कुछ कानून बहुसंख्यक समुदाय के लिए कैसे लागू होते हैं। शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार एक उदाहरण है। संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद के 30(1) की उपश्रेणी के अगर विवरण पर नजर डाली जाए तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। का और खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत ना हो। वहीं अगर अगस्त 2019 पर नजर डाली जाए तो उस समय एक पोस्ट काफी वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि भारत के संविधान का आर्टिकल 30 मदरसों को कुरान पढ़ाने की इजाजत देता है, लेकिन आर्टिकल 30 के 1 में स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती। इस पोस्ट से ऐसा लगता था कि भारत का संविधान धार्मिक किताबें पढ़ाने के बारे में भेदभाव पूर्ण है। इस दावे की पुष्टि के लिए संविधान में इस आर्टिकल की पड़ताल की गई तो पाया गया कि संविधान के 30(1) का कोई अस्तित्व ही नहीं। संविधान के आर्टिकल 30 का उप अनुच्छेद 1 के का है। अगर संविधान का आर्टिकल 30 पर नजर डाली जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उसके संचालन के बारे में है। वहीं आर्टिकल 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को और वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। टिल देन, लेट्स फोकस।